आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बजट आने वाला है उसके बारे में महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह से वो आज का अपना वर्तमान देख रही हैं और बजट से क्या उनको राहत मिल सकती है, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंताएं हैं, क्योंकि महिलाएं आधी दुनिया ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित होती हैं। वित्त मंत्री को चाहिए कि वो बढ़ते हुए दामों को कम लाने करने की कोशिश करें, खास करके जो चीज़ें रोज़मर्रा के उपयोग में आती हैं, जो हम लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। आने वाले बजट पे तो हमारी राय ये है कि ये प्रो पीपल होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, लेकिन जो देश के हालात हैं ये तो इतने बदतर हैं कि हर तरफ जैसे हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 29 करोड़ और 20 लाख लोग इस देश में रात में भूखे सोते हैं, तो क्या इस बजट में उनका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? उस पर निरंकुश है ये सत्ता। जैसे है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे सब्जियों के भाव, दूध का रेट, पेट्रोल जैसे बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। इनकम टैक्स को अभी ध्यान दिया जाए, जैसे 2.5 लाख रुपए है लेडीज़ के लिए, बढ़ा करके 4 लाख रुपए कर दिया जाए तो उसमें भी हम लोगों को फ़ायदा हो। वित्त मंत्री जी को ये ध्यान देना चाहती हूँ कि रक्षा बजट उनका अच्छा हो, और दूसरी बात मैं एक मतलब कि महिला होने के नाते सबसे ज़्यादा ये इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए मतलब कि उनके कानून, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बने और उन पर अगर कुछ आप ध्यान दे सकें, उनसे अगर रिलेटेड जो बजट है उन पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, उनकी सिक्योरिटी को लेकर आप मतलब कि जागरूक हो सकें। एक तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम होने ही होने चाहिए, लेकिन हेल्थ जो सेक्टर है हमारा उसके दाम कम करने चाहिए, कि डॉक्टर जो हमसे मनमानी फीस लेते हैं, कि हम लोग जो आम आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, उसके बजट में आ सके हेल्थ सेक्टर, और जो वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें थोड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, कि हमारे जैसा आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वैसे ही जाए और कंफर्टेबल सर्विसेज हमको मिल सके। मेडिकल और एजुकेशन देखिए आप कितना महंगा होता जा रहा है, हर किसी के बस की बात नहीं हो रही है बच्चे को पढ़ाना जी। इस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए, बिल्कुल बजट में कुछ प्रोविजन करना चाहिए, बिल्कुल इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, हर किसी मतलब निम्न तबका तो पढ़ा ही नहीं पा रहा अपने बच्चे को। कल सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी है, उसको जो है थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए। हमारे घर में 3-3 जने हैं जो मेट्रो से रोज सफर करते हैं, अचानक से मेट्रो का रेट इतना बढ़ा दिया, तो हम चाहते हैं पहले से कम हो, क्योंकि पहले उससे बजट पे बहुत असर होता है। हायर एजुकेशन और जो सीनियर स्कूल की एजुकेशन है उसमें गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सेसिबल टू ऑल हो। रेल पे मेरा ये कहना कि इतने ज़्यादा किराए बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, और आप कैंसिल कराने जाते हैं तो अभी आपका पैसा वापस नहीं होता, रेल किराया कम करिए। तो मेट्रो से लेकर रेल तक, कीमतों से लेकर रोज़गार तक, देश की सुरक्षा से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक, सारा का सारा जो कंसर्न है, सारी जो चिंताएं हैं, ये तमाम हम सबकी हैं, और उम्मीद है कि वित्त मंत्री इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देंगे। कॉरपोरेट को जब बड़ी छूट देते हैं उसके साथ साथ शिक्षा के लिए बजट बढ़ाएंगे